जी, किस तरह से देखते हैं वरुण गांधी जो बातें उठा रहे हैं या जो बातें वो कह रहे हैं किसानों को लेकर के या अपनी ही पार्टी को लेकर के, उसके क्या मायने समझे जाएं? देखिए, पहली चीज तो मैं वरुण गांधी जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बधाई देता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति तो है जो किसानों के हित की बात कर रहा है। आखिर किसान मांग ही क्या रहे हैं, वो अपना हक तो मांग रहे हैं, और अगर अपना हक सरकार से नहीं मांगेंगे तो वो किससे मांगेंगे? वो सरकार जो पूंजीपतियों के लिए काम कर सकती है, वो सरकार जो अपने लोगों के लिए उनकी जेबें गर्म कर सकती है, वो सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है, तो किसानों की मांगे क्या मान नहीं सकते? वही किसान है जो हमारे आपके पेट पेट के तक में अनाज लेकर के आते हैं, धरती का सीना चीर करके अनाज अन्न उगाते हैं और रात भर रखवाली करते हैं अपने खेतों की, गाय से, भैंसों की और भी जानवरों से रखवाली करते हैं। वो कड़ी मेहनत करने के बाद अगर वो अपना हक मांगते तो उसमें गलत क्या है? मैं बड़ा बधाई देता हूँ माननीय वरुण गांधी जी को कि कम से कम उन्होंने जनता की आवाज और खासतौर से किसान की आवाज को आगे तो बढ़ाया, ये सोती हुई सरकार को जगाने का तो काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों की आवाज तो छोड़िए, जनता की आवाज जब वो नहीं सुन सकी तो अपने लोगों की आवाज क्या सुनेगी? ये सबसे बड़ी इस सरकार की विडंबना है, ये हम सभी के लिए विडंबना है। जो जो लोग किसानों की बातों को नहीं सोच सकते, उनकी बातों को मान नहीं सकते हैं, तो जनता की बात क्या सोचेंगे और जनता की बात क्या मानेंगे? आप चाहे देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों की बात की है और अभी किसानों की न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रही है, ये आप देख रहे हैं। जब तक कि केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जब तक की बर्खास्त नहीं हो जाएंगे तब तक कि हम मानने वाले नहीं है।